दिस इज अबाउट द वॉटर साइकिल वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वॉटर साइकिल वॉटर साइकिल के अंदर हम लोगों ने वी आर गोइंग टू सी हाउ वॉटर इज मूविंग थ्रू द एनवायरमेंट ठीक है हाउ वॉटर विल मूव थ्रू द एनवायरमेंट आई होप यू पीपल कैन सी द स्लाइड स्लाइड नजर आ रही है सबको ओके वॉटर साइकिल में हमने मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के इंट्रोडक्शन बायोजियो केमिकल साइकिल्स का जो है वो हमारे पास क्या था अब मेजर रिजर्वायर ऑफ वाटर जो आपके पास है द मेन रिजर्वायर ऑफ वाटर दैट वी हैव इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द ओशंस ओशंस के अंदर हमारे पास वाटर है ओशंस क्या है ओशंस ओशंस जो है जी हीरा रबाब आई एम टीचिंग यू पीपल बेटा एंड ये हम बाद में नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो आपको इसीलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ ये हीरा तो ओशंस के अंदर आपके पास जो है वो वाटर के जो है ना वो सोर्सेस हैं नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी वी आर गोइंग टू सी हाउ द वाटर इट मूव्स फ्रॉम द ओशन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड देन इट कम्स बैक टू द ocean again and because all these materials they are circulating between the hydrosphere the lithosphere and the atmosphere and they, the amount is going to be fixed so isko hum kehte hain the water cycle now the major source of water in on the surface of earth is the oceans these can be salty water yeah they can be fresh 97% of water sources aapke paas I have already told you ki wo oceans mein hai जो आपके पास अवेलेबल है द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द वॉटर साइकिल इज द सोलर एनर्जी ये दिस इज द सोलर एनर्जी दिस सोलर एनर्जी इज गोइंग टू हीट अप द वॉटर ऑन द ओशंस एंड देन द वॉटर इज गोइंग टू एवेपोरेट ये देखिए एवेपोरेटिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दिस दिस इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द वॉटर साइकिल दिस वन द सोलर एनर्जी ठीक है एवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस है एवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लांट्स है ठीक है फिर परस्पायरेशन यहाँ लिखा हुआ नहीं है परस्पायरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनिमल्स है ठीक है स्वेटिंग जो होता है तो आप देखें कि ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से वाटर लीव्स द अर्थ एंड कम्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन द वाटर वेपर इट स्टार्ट्स टू राइज इन द एटमॉस्फेयर व्हेन द वाटर वेपर स्टार्ट्स टू राइज इन द एटमॉस्फेयर देन व्हाट हैपेंस इट कम्स टू अ स्पेसिफिक हाइट एंड देन क्या होता है कि वो कंडेंस हो जाता है ठीक है जब ये कंडेंस हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या है ये कंडेंस होके क्लाउड्स के अंदर आ जाता है इट कम्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स अब क्लाउड्स के अंदर ये कंडेंसेशन हो रही है और क्लाउड्स के अंदर अब क्या होगा कि एट अ सर्टेन पॉइंट व्हेन द वेट ऑफ द वाटर वेपर इट बिकम्स वेरी वेरी हाई तो इन क्लाउड्स में से वाटर फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन कैन आइदर बी स्नोफॉल और इट कैन बी रेनफॉल ठीक है इट कैन बी स्नोफॉल और इट कैन बी रेनफॉल नाउ वॉल्केनिक स्टीम इज अनदर सोर्स ऑफ वाटर एडिंग इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द हाइड्रोस्फेयर अब ये देखिए एवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट्स परस्पिरेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स देन सब्लिमेशन एंड डी सब्लिमेशन ऑफ वाटर ठीक है एंड देन वॉल्केनिक स्टीम दीज आर सम मेथड्स बाय विच वाटर इज एडेड ऑन इनटू द एटमॉस्फेयर ठीक है नाउ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट गैदर्स इन द क्लाउड्स एंड फ्रॉम द क्लाउड्स ये पानी जो है ये वापस दोबारा से जमीन की तरफ आता है किसी और जगह पे आता है लेकिन द अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड ठीक है तो अ प्रेसिपिटेशन है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल या फॉग एंड ड्यू की सूरत में ये हो सकता है ठीक है नाउ स्नोफॉल जो है उसमें क्या होगा स्नोफॉल में हमारे पास स्नोफॉल के अंदर आपके पास क्या है कि सम ऑफ द स्नो इज गोइंग टू मेल्ट एंड क्या होगा इट इज गोइंग टू रन ऑफ रन ऑफ क्या होगा जब आपकी स्नोपी एरिया से पानी जाया होता है देन दैट इज कॉल्ड स्नो मेल्ट रन ऑफ या फिर बारिश होगी बारिश के साथ जो है व्हाट इज गोइंग टू हैपन बारिश के साथ ही इसका रन ऑफ होगा विद द रन ऑफ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अर्थ में आता है जो अपर लेयर लिथोस्फेयर है वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है रन ऑफ वाटर के साथ वो प्रॉब्लम क्या है कैन एनीबडी टेल मी द प्रॉब्लम दैट द लिथोस्फेयर फेसेस बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड रन ऑफ बिकॉज ऑफ लेस वेजिटेशन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओके टॉप सॉइल रिमूवल ओके बेटा सिकंदर वेरी गुड लेकिन देर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर दिस टॉप सॉइल रिमूवल व्हाट इज दैट नेम
कैन एनीबडी टेल मी, इसको हम एक खास नेम कहते हैं, इरोजन, शाबाश, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। यस फहाज, इनफर्टिलिटी जो है वो इरोजन की वजह से होती है कि द अपर लेयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड विच स्टोर्स अ लॉट ऑफ मटीरियल फॉर द प्लांट्स टू यूज द मिनरल्स, दैट अपर लेयर वॉशेज अवे, एंड द वॉशिंग अवे ऑफ द अपर लेयर एज सिकंदर हैज सेड, उसको हम कहते हैं इरोजन। Erosion जो है, that is actually the washing away of the upper layer. Now, if we do not have enough vegetation on the surface of the earth, then what happens? We face a problem of erosion. तो इसमें आप उसको लिख सकते हैं, extra information है, लेकिन एक अच्छी information है, ठीक है? Some of the water runs off. ये देखें, arrow के साथ साथ चले. Some of the water runs off. Some of the water absorbs into the ground, and that is called the groundwater. अब आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट्स कौन सा वाला, व्हाट वाटर डज द प्लांट यूज द प्लांट्स। नाउ एवरी प्लांट डजंट हैव अ वेरी लार्ज रूट सिस्टम टू रीच द ग्राउंड द वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर जो है, प्लांट्स जो हैं, दे यूज द ग्राउंड वाटर जो के अपर लेयर्स के अंदर पानी रहता है। सम वाटर गोज डीपर लेयर इनटू द डीपर लेयर्स एंड इट कम्स इनटू द अंडरग्राउंड स्टोरेज व्हिच इज कॉल्ड द वाटर टेबल। We have some underground rivers also, and those underground rivers, can any one of you tell me the name of the underground rivers? जो कि ज़मीन के नीचे जो rivers हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Can anybody tell me के नाम क्या होते हैं? Google मत कीजिएगा, जो ज़हन में आंसर आता है जल्दी से बता दें। Underground rivers में जो ज़मीन के नीचे जो underground rivers हैं, they are called the aquifers. शाबाश, कश्माला, शाबाश। They are called the aquifers. AQUIFERS, aquifers. ठीक है? Aquifers जो हैं, वो आके फिर आपके springs की सूरत में जो हैं, वो पहाड़ में से निकलता है और then you get springs हैं और फिर आपके पास rivers के अंदर आके मिल जाते हैं। बहरहाल, these are all sources of water. Now it comes into the groundwater and then plants use this water. Some of the water comes into the ocean through the aquifers. ठीक है? Some of the water they come through springs, जो चश्मे होते हैं, उसके जरिए आते हैं। Some of the water comes into the streams, the smaller water bodies हैं। ठीक है? Some of the water जो है, they are used by animals. ठीक है, they are used by animals. तो फिर ये I hope sound issue अब नहीं है सिकंदर, अभी भी है sound issue? थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ तो sound मेरी हल्की हो जाती है थोड़ा, मैं इसका मतलब है कि मुझे बिल्कुल still होके आगे बैठना है। ठीक है, okay, अब आ रही है सिकंदर आवाज बेटा। देखें, ये एक और वाटर टेबल है, वो अपना वाटर साइकिल है, ये बहुत अच्छा वाटर साइकिल है। पहले ये याद करें फिर पीछे वाला याद करेंगे। कैन यू सी द स्लाइड? स्लाइड भी स्टक हो रही है। अरहम, इज इट ओके नाउ? इज द वॉइस क्लियर नाउ अरहम? बेटा अभी वॉइस क्लियर है? ओके। ओशन के ऊपर आपके पास जो है, एवेपोरेशन फ्रॉम द ओशन कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 80% ऑफ द टोटल वाटर वेपर इन एयर। 80% ऑफ वाटर वेपर इन एयर जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सोलर एनर्जी की वजह से, सन की वजह से वाटर वेपर निकल रहा है। कंडेंसेशन हो, कंडेंसेशन हो गई। अच्छा जी, कंडेंसेशन के बाद आप देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन आ गया। क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर आपके पास क्या है? ओके, क्लाउड फॉर्मेशन के पास आपके पास क्या है बेटा, कि आप क्लाउड्स जो है वो हैवी हो जाते हैं और फिर आपके पास प्रेसिपिटेशन हो जाती है, स्नोफॉल है और रेनफॉल है। सरफेस रन ऑफ है। इम्परवियस लेयर क्या है? इम्परवियस लेयर इज एक्चुअली दैट लेयर जहां पर आपके पास वाटर की सीपेज नहीं हो रही है। लेक्स में वाटर आपके पास जमा हो रहा है। ग्राउंड वाटर इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड वाटर, दीज आर द एक्विफर्स। वाटर जो है वो वापस एक्विफर्स के जरिए इट कम्स इनटू द ओशन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर वाटर टेबल जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मुझसे आप क्वेश्चन पूछें और अभी क्वेश्चन पूछें, क्योंकि देन द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। और इसमें फिर आप लोग जो है ना, आप थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वाटर साइकिल, ये देखिए आपके पास, हम मैंने आपको जी क्वेश्चन आ गया है। ओके ओके, ठीक है बेटा।
अब मैं क्या करूं, वॉइस क्यों नहीं आप लोगों को साउंड आ रही है? लैगी वॉइस आ रही है, वहाज कह रहा है कि आवाज ठीक नहीं आ रही है। अभी ठीक है? आई डोंट नो, मेरे पास तो यहाँ सब कुछ ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप देखें अपने इंटरनेट कनेक्शन, देखें कहीं मेरे पास तो मसला नहीं आ रहा। बायोजियो केमिकल साइकिल्स में, मैन एंड हिज एनवायरमेंट में, मैंने आपको रिजर्वॉयर्स के बारे में बता दिया है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं रिजर्वॉयर्स के अंदर। अवेलेबल अनअवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये भी हमने ठीक है, आपके पास ये अवेलेबल अनअवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज करते हैं। फिर एक्सचेंज पूल्स मैंने आपको बताया है, एक्सचेंज पूल्स आर दोज रिजर्वायर्स जहां पर आपके पास एक छोटे टाइम के लिए, एक थोड़े टाइम के लिए जो है ना मटेरियल जो है वो रहता है। ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स हैं? अच्छा जी, सिकंदर इज सेइंग कि प्रॉब्लम इज यूनिवर्सल, इट मींस कि प्रॉब्लम मेरे पास है। ठीक है, ओहो आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो सारा कुछ यहाँ पर फुल वॉल्यूम पर है। देखते हैं तो रेजिडेंस टाइम क्या है, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ मटेरियल इट रीचेस इट स्टेज इन द रिजर्वायर। फिर एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, आपको मैंने डिफरेंसेस बता दिए हैं कि क्या है। ठीक है, वॉटर साइकिल हमने पढ़ लिया है कि क्या है। अगर कोई क्वेश्चन हैं साउंड के इशू के अलावा तो फिर मुझे बता दीजिए। ठीक है, क्या रिस्टार्ट करूं, क्लास को रिस्टार्ट करूं? बहाज, बहाज इज सेइंग कि आई शुड रिस्टार्ट द क्लास। ओके, एक मिनट बेटा। तो इसमें अब आपके पास, अब आप देखेंगे ये हमारे पास जो है, ये आपके पास जो है वाटर साइकिल है, और वाटर साइकिल के अलावा ये आपके पास आसान वाटर साइकिल है जो कि फिर आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या है, वो है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप साउंड के अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता दीजिए। और गर्ल्स क्लास में नहीं है, कहाँ है, लड़कियां क्यों नहीं है क्लास में? We do not have the girls in the class. Where are all the girls? Kushmala hai, Aisha Suhail hai, Mehvish hai. Theek hai? The girls should also be present in the class.